गुड मॉर्निंग। जीवन की रोटी की आज की जो बातें हैं हमारे लिए, प्रभु कुछ इंस्ट्रक्शन, ये सारी वचन हम जो सीखते हैं शुरू से लेकर, हम जो इस नीति वचन के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ हमें परमेश्वर सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, कुछ डिसिप्लिन की बातें, कुछ इंस्ट्रक्शन हमें देते हैं ताकि हम नाश होने से बच सके। यहाँ पर शुरुआत में हम यही देखते हैं, पांचवी अध्याय उसका पहला पद, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की और कान लगाए, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों के धामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री की होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नाक धोना सा कड़वा और दोतारी तलवार सा पैना होता है, उसके पाव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। ये वचन हमें बेफिजार से बचे रहने के लिए परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देते हैं। बेफिजार करने के लिए जाने से बाइबल के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा है बेफिजार ना करें। बेफिजार की उस बातों में जाने वालों का जीवन मृत्यु की ओर, अधोलोक की ओर और नाश की ओर जाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें यही बातें सिखाते हैं। हम उससे बचे रहने के लिए परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करना है। प्रभु हमें सहायता करें। आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति ये वचन प्राप्त करके ऐसे बातों से बचना है। कभी कभी इंसान कुछ अच्छी चिकनी चुपनी चुपी बातें के सुनकर उसकी बातों में गिर जाएगा, फिर उसमें से बचने के लिए बहुत मुश्किल लग जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, बोलते हैं तो बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर, क्योंकि तैसे विपत्ति पे तू ना पड़े। मेरा प्रियो, आज हम सब लोगों का जीवन में है परमेश्वर हमारे लिए, सब कुछ तैयार किया हुआ है। अगर आप एक विवाहित व्यक्ति नहीं है, आपका जीवन के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी, आपके एक पुरुष है तो आपके लिए एक स्त्री, और आप एक स्त्री है तो आपके लिए एक पुरुष के लिए परमेश्वर ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल में हम देखते हैं आदम को अकेला रहना उचित ना समझते हुए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक को तैयार किया, एक उचित व्यक्ति को। मेरा प्रियो, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर तैयार करते हैं, और उस परमेश्वर की समझ प्राप्त करें, बुद्धि प्राप्त करें, इंस्ट्रक्शन प्राप्त करें, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़े और प्रार्थना करें। उचित समय पर परमेश्वर आपके लिए सब कुछ प्रबंध करेगा। आप परमेश्वर के प्यारे हैं, परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, आप नाश होने से बचने के लिए परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर आप में से कोई भी जन ऐसे कोई परिस्थिति में गिरा हुआ है, पड़े हुए हैं, आज आपके लिए एक अच्छा दिन है उनमें से निकलने के लिए। प्रभु से एक बार कहे, लॉर्ड मेरे जीवन में गलती हो गया, मेरा पाप, मैंने गुनाह किया, मुझे माफ करे, मुझे उसमें से बचा ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु बचाएगा। मैंने एक दिन एक व्यक्ति मेरे पास आकर मेरे से प्रार्थना करने के लिए बोला, पास्टर मैं सच में बहुत बड़ा बुराई में फंसा हुआ है, मेरे जीवन के अंदर व्यभिचार की बहुत बड़ा एक गलतियां, मैं उसमें से निकलना चाहते हुए भी निकल नहीं पाते। मैं वजन से उसको समझाया, उसके बाद प्रार्थना किया। करीब 6 महीने के बाद आकर उसने कहा, पास्टर वो प्रार्थना, वो वचन मेरा जीवन को बदल दिया। उसके बाद मेरे अंदर से वो बातें चला गया, मैं एक सही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर मुझे मदद कर रहे। मेरा प्रियो,
हमारा परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है। आप उन विपत्तियों से बचने के लिए पहले से इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर आप उसमें पड़े हुए हैं, आज आपको बचने के लिए प्रभु बोलते हैं, बच जाओ, क्योंकि आमीन उसका विपत्ति, उसका आने वाला दिन में उसकी अंजाम बहुत खराब होगा, उससे बचने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु आपको मदद करे, मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हर एक प्रत्येक जन वचन के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर की बुद्धि को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मदद करे। कोई भी जन अगर जीवन में ऐसे कोई परिस्थिति में है, आज उन्हें बचाने के लिए आप उन्हें बुद्धि दे, पवित्र आत्मा मदद करे, स्वर्गीय ज्ञान दे। जो भी बातें इनके जीवन की नाश की और ले जाने के लिए शैतान ने डाला है, वो सारे बंधन टूटे और पूर्ण रूप से मुझे सुनने वाला इस ऑनलाइन में जुड़े हुए व्यक्ति परमेश्वर के आशीष प्राप्त करे, शांति, प्रेम और आनंद और एक पवित्र जीवन बिताने के लिए सबको मदद करे। प्रभु आपने इसे किया, धन्यवाद। यीशु का नाम है, आमीन।